ओके तो चलो देखो फिर प्रॉब्लम। पहला प्रॉब्लम जो है क्या है प्रॉब्लम, बोलो जल्दी। देखो ए मैग्नेटिक पोल ऑफ बार मैग्नेट विथ पोल स्ट्रेंथ ऑफ 100 एम्पियर मीटर इज 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए बार मैग्नेट। क्या दिया रे बाबू रे, बार मैग्नेट दिया। ओके और कितने पोल होते हैं उसको बोलो, दो पोल होते हैं। तो एक पोल सेंटर से कितने अंतर पे है बोलो, 20 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस कौन सा होता है बोलो बरा, सेंटर से एक पोल का डिस्टेंस स्मॉल एल। क्या होता है रे बाबू, वो दिया है 20 सेंटीमीटर। और उसकी स्ट्रेंथ दिए रे, पोल स्ट्रेंथ स्मॉल एम कितनी दी है, 100 एम्पियर मीटर। कितनी दी है, अब बार मैग्नेट हैज पोल स्ट्रेंथ ऑफ 200 एम्पियर मीटर एंड हैज अ लेंथ 5 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी दी है, 5 सेंटीमीटर। ओके तो इफ द मैग्नेटिक पोल इज ऑन द एक्सिस ऑफ द बार मैग्नेट, क्या बोला है, क्या बोला है, इफ द मैग्नेटिक पोल इज ऑन द एक्सिस ऑफ द बार मैग्नेट फाइंड द फोर्स ऑन द मैग्नेटिक पोल। क्या फाइंड करना है बताओ, फोर्स फाइंड करना है। हाँ तो अभी ये प्रॉब्लम पहले मुझे आपको फिगर के द्वारा बोर्ड पे समझा के बताना पड़ेगा, तब जाके आपके पास ये बरोबर ए टू जेड पहुंचेगा। क्लियर। तो इस प्रॉब्लम में अगर आप देखेंगे तो दूसरे सेंटेंस में आपको दिया है, पहला सेंटेंस थोड़ा सा एक मिनट बाजू में रख दो और दूसरे सेंटर पे, दूसरे सेंटेंस पे आओ। दूसरे सेंटेंस में आपको क्या बोला है कि सर एक बार मैग्नेट दिया है या ना, क्या दिया है, बार मैग्नेट दिया है और उसकी पोल स्ट्रेंथ जो है वो कितनी दी है रे बाबा, 200 एम्पियर मीटर और उसकी लेंथ दी है 5 सेंटीमीटर। चलो फिर हम उसकी फिगर ड्रॉ करते हैं। तो ये पहले हम मैग्नेट ड्रॉ करेंगे, अभी तो आपको ड्रॉ करके दिया था मैंने। तो ये मैग्नेट, अभी पूरी कहानी बताई थी ना, पूरा मैग्नेट बताया था, साउथ पोल नॉर्थ पोल बताया था, ये एक्सियल मैग्नेटिक इंडक्शन इक्वेटोरियल मैग्नेटिक इंडक्शन ये सारा बताया था ना। हाँ तो ये देखो, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये सेंटर ओ, क्लियर, क्या सेंटर और ये एक्सिस, क्लियर। हाँ और ये जो आपको, ये आपको डिस्टेंस मालूम है सेंटर से नॉर्थ पोल का, ये डिस्टेंस यल और सेंटर से साउथ पोल का ये डिस्टेंस भी यल। तो यल प्लस यल कितना हो जाता है रे, ट्वाइस यल। और इसकी पोल स्ट्रेंथ मतलब चाहे नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल है तो इसकी इस माइनस यम रहती है, इसकी प्लस यम, बस ये माइनस और प्लस, ये माइनस रहता है ये प्लस रहता है, बाकी तो यम मतलब उनकी पोल स्ट्रेंथ सेम रहती है या ना। तो इस प्रॉब्लम में आपको वो ऑलरेडी दिया है, क्या दिया है बोलो फिर, क्या दिया है ये बोलो मुझे। तो सर इसकी हमें ये दी है पोल स्ट्रेंथ दिए ना, तो कोई भी आप एक लिखिए, माइनस और प्लस दोनों लिखने की जरूरत नहीं, कोई भी पोल स्ट्रेंथ, ये देखो पोल स्ट्रेंथ, तो यम इक्वल टू कितना दिया है, 200 एम्पियर मीटर, क्लियर। और ये मैग्नेटिक लेंथ दी है, क्या दी है, मैग्नेटिक लेंथ दी है कितनी, ट्वाइस एल। मैग्नेटिक लेंथ कितनी होती है, ट्वाइस एल, वो कितनी दी है, 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर यानी 10^-2 मीटर, क्लियर, क्या बोलो। तो यहां से पहले भाई आप मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट फाइंड कर लो, जो अभी मैंने फार्मूला आपको बताया। तो ये देखो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट,
यानी कौन रे, कैपिटल एम, क्या होता है ये, अब भी बताया ना फार्मूला, चलो वैल्यू रख दो। तो आप बोलेंगे सर स्मॉल एम जो है ना सर पोल स्ट्रेंथ ये सर 200 है और 2L जो है मैग्नेटिक लेंथ ये है सर 5 × 10⁻², है या ना। तो भाई ये कितनी आएगी देखो, फिर अभी ये 2 रे, 2 0 का मतलब 10⁻², और ये 5 × 10⁻², वैसे ही कुछ कैंसिल हो सकता है, यस 10⁻², 10⁻², कैंसिल, तो 2 × 5 कितना, और इसका यूनिट होता है एम्पियर मीटर स्क्वेयर, हाँ ना, बराबर है ना। स्मॉल एम का यूनिट एम्पियर मीटर और ये लेंथ का यूनिट मीटर, तो एम्पियर मीटर स्क्वेयर ये आ गया। तो मैं वापस आपको दूसरे सेंटेंस पे ला रहा हूँ कि भाई इफ द मैग्नेटिक पोल इज ऑन द एक्सिस ऑफ द बार मैग्नेट, क्या बोला रे बाबू, कि वो जो मैग्नेटिक पोल है, अब पहला सेंटेंस में हमें एक ही क्या दिया है, एक पोल दिया है किसी दूसरे मैग्नेट का, किसी दूसरे मैग्नेट का, अरे पोल कितने होते हैं मैग्नेट को, सर 2 होते हैं, तो वो पहले सेंटेंस में हमें किसी दूसरे मैग्नेट का एक पोल जो है वो बोला है कि वो कहां पे है, इफ द मैग्नेटिक पोल इज ऑन द एक्सिस ऑफ द बार मैग्नेट, कहां पे है रे, एक्सिस पे, दिखा क्या रे एक्सिस, ये देखो ये है एक्सिस ऑफ बार मैग्नेट, है या ना रे बाबू, हाँ इस पे है। तो फाइंड द फोर्स ऑन द मैग्नेटिक पोल, तो उस मैग्नेटिक पोल पे ये बार मैग्नेट कितना फोर्स लगाएगा, आए क्या सिचुएशन समझ में, क्या सर ये मैग्नेट कौन है ये बताओ, मैग्नेट, और इस पे दूसरा जो मैग्नेट है उसका एक पोल रखा हुआ है, दूसरा मैग्नेट तो सर उसको तो 2 पोल रहेंगे, हाँ उसमें से कितना दिया है हमें, एक दिया है, और वो कहाँ पे है, एक्सिस पे, नहीं कहाँ पे, देखो ना, इफ द मैग्नेटिक पोल इज ऑन द एक्सिस ऑफ द बार मैग्नेट फाइंड द फोर्स ऑन द मैग्नेटिक पोल, तो उस मैग्नेटिक पोल पे कितना फोर्स लगेगा, उस मैग्नेटिक पोल पे कितना फोर्स लगेगा, अच्छा कौन लगाएगा फोर्स, ये वाला बार मैग्नेट कौन लगाएगा, क्यों लगाएगा, अरे क्योंकि इसमें भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, उसमें भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, तो दोनों एक दूसरे को तो एक तो अट्रैक्ट करेंगे या फिर रिपेल करेंगे, तो एक तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा या फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा, क्या लगेगा बाबू, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन, क्लियर क्या बोलू। तो अभी आप पहले यम मिला लिया ना बाबू अपने, तो अभी इस मैग्नेट की आप अलोंग द एक्सिस बी मिलाइए, बी यानी मैग्नेटिक इंडक्शन, और अलोंग द एक्सिस कितना होता है, अब भी आपने मार्क करके रखा, तो कितना होता है रे बी ए, इस मैग्नेट का बी ए यानी एक्सियल मैग्नेटिक इंडक्शन, इस मैग्नेट का जो कि क्या होता है, म्यू 0/4π ट्वाइस एम अपॉन, सबको फार्मूला मालूम है कि नहीं बोलो, अच्छा इसकी वैल्यू मैंने बताई है 10⁻⁷, 2 वैसे ही, यम यम कितना है बोलो, 10, अभी फाइंड किया ना रे वैल्यू, कितनी फाइंड की, और सर आर कितना, अभी वही तो आर दिया है ना रे, अब पहले सेंटेंस में आओ कि ये मैग्नेटिक पोल ऑफ बार मैग्नेट विद ए पोल स्ट्रेंथ ऑफ 100 एम्पियर मीटर इज 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बार मैग्नेट, सुनो रे बाबू रे, अभी अब दूसरा जो मैग्नेट है क्या है रे बाबू, दूसरा मैग्नेट उसका एक पोल, तो मैं एक काम करता हूँ ना आपको समझाने के लिए, दूसरा मैग्नेट ही ड्रॉ करके देता हूँ, तो दूसरा मैग्नेट ही अलोंग द एक्सिस है, बोलते कहाँ पे है, अच्छा पूरा मैग्नेट ड्रॉ करूँ कि उसका एक पोल ड्रॉ करूँ, एक पोल ड्रॉ करूँ कि पूरा मैग्नेट ही ड्रॉ कर लूँ, चलो एक पोल, हाँ ठीक है मैं आपके रेफरेंस के लिए चलो ड्रॉ कर देता हूँ, मान लो ये छोटा सा मैग्नेट है,
ए बाबू रे, देखो ये छोटा सा मैग्नेट है, क्लियर क्या? ये उसका पोल है एक, और ये मान लो साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल। अभी वो नॉर्थ पोल से हमें लेना देना नहीं है, हम कहाँ, कौन सा बाबू, साउथ पोल। तो ये सेंटर से साउथ पोल का ये डिस्टेंस, ये रे बाबू रे यार, अभी पॉइंट पी लिया था ना जैसे एक्सप्लेन करते वक्त, तो ये साउथ पोल को मान लो पॉइंट पी, तो ओ और पी, ओ पी के बीच का डिस्टेंस रे बाबू आर, कितना दिया है रे वो 20 सेंटीमीटर, कितना रे बाबू 20 सेंटीमीटर, क्लियर? हाँ, तो ये आर जो है बेटा ये 20 सेंटीमीटर। अच्छा, सेंटीमीटर में नहीं रखना है उसको, किस में कन्वर्ट करना है? हाँ, तो इधर साइड वर्क में मैं लिख लेता हूँ, ये देखो साइड वर्क, तो ये आर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर लिखा है बाबू। अरे लेकिन सेंटीमीटर ने उसको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में, तो 20 और सेंटीमीटर यानी 10^-2 मीटर, तो ये 2, 10 यानी 10^1, ख्याल में रखो, और ये रे बेटा तो 2 × ये 10^-1 मीटर, आर की वैल्यू लिखो यहाँ पे फिर। अच्छा आर, तो मुझे बता दो ना आर क्यूब, बता सकते हो डायरेक्टली? हाँ देखो, 2 × 10^-1 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना रे, 2 × 2 × 2 यानी 8, और ये 10^-3, दे देखो 8 × 10^-3, क्लियर? बोलो बाबा रे, ये 10 यानी 10^1, इसको लेके गए हम अप, हाँ? अच्छा 10^1 रहने दो इसको, 10 ही, अच्छा 10 × 2 कितना हुआ रे, और ये 8, और इसको लेके गए अप, तो ये ऑलरेडी दिए थे 10^-7, और ये अप चला गया तो 10^3, 20/8, 8 × 2 = 16, 4 बचे सामने 0, इसलिए 0.85 = 40, तो 2.5 आया रे बाबू ये, और ये 10^-4, ये किसकी वैल्यू रे, BA की, मैग्नेटिक इंडक्शन, इसका यूनिट आपको मैंने बताया वेबर पर मीटर स्क्वेयर, तो ये कौन आ गया, BA आ गया, क्या आ गया, BA आ गया। तो आपको पूछा है कितना ये सर साउथ पोल पे ये मैग्नेट कितना फोर्स लगाएगा, क्लियर क्या? तो जैसे ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल, तो इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो कितना फोर्स लगेगा, तो देखो फिर, देयरफोर जो फोर्स लगेगा, जो फोर्स लगेगा वो फोर्स क्या होता है, इसका इसका जो आपको दिया है उसकी पोल स्ट्रेंथ दी है, क्या दी है, पोल स्ट्रेंथ दी है, कितनी दी है, इसकी रे, इसकी रे, इसकी रे, पहले सेंटेंस में, हाँ, तो इसकी पोल स्ट्रेंथ, इसकी वाली पोल स्ट्रेंथ यम इनटू ये वाला बी ए रे बाबू, क्लियर क्या? तो ये हम कितना था सर, 100, और बी ए अभी आपके पास देख रहे है, कितना है रे, हाँ, तो बस अभी एक स्टेप में आंसर आ गया सर, 100 यानी 10^2, और ये 2.5 × 10^-4, तो ये 2.5 वैसे ही, और ये 10^2 − 4 यानी −2, इतना फोर्स, फोर्स किस में रहता है, न्यूटन में। तो ये आ गया रे बाबू 4 मार्क का क्वेश्चन बोर्ड और एंट्रेंस के लिए।